ओम शांति। क्रोधी को सहयोगी कैसे बनाएं? अगर आपके घर में कोई भी थोड़ी सी खिटपिट हो तो जाकर पहले घर को ठीक करना, फिर विश्व की सेवा कर सकेंगे। ठीक है ना? शुभ भावना से यह सेवा करना, जवाब नहीं देना, क्रोध नहीं करना, इससे भी फर्क पड़ जाता है। देखो, यज्ञ की हिस्ट्री में ऐसे बहुत दृष्टांत हैं। बहुत मारते थे, मारते हैं ना, तो बहुत माताओं की शुभ भावना से सेवा करने से वह बाप के बच्चे बन गए। तो आप भी सोचेंगे कि हमारे घर में तो लड़ाई होती है, मारते भी हैं, यह होता है, वह होता है, लेकिन जब कोई बदल सकते हैं तो आप नहीं बदल सकते हो? शुभ भावना और अपनी चलन परिवर्तन हो जाती है तो वह भी नरम हो जाते हैं, गर्म नहीं होते, नरम हो जाते हैं। इसलिए माताएं, पहले घरों को, बच्चों को ठीक करो। अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन प्यार से चलें, ज्ञान की गलानी नहीं करें, इतना तो हो सकता है ना? चलो, क्रोधी हैं, क्या भी हैं, आते खराब हैं, लेकिन यह तो कहें हम ऐसे हैं, लेकिन माता अच्छी है, इतना प्रभाव तो हो, बदली होना चाहिए ना? फिर देखो सेवा कितनी फैलती है। ठीक है माताएं, बहुत अच्छा। देखो आपके वर्ग को भी चांस मिला है ना, तो लक्की हो गई ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें। ओम शांति।